घर तिरंगा, हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश भारतीय जनता पार्टी। आज जिला बारामूला में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा ने हर घर तिरंगा प्रोग्राम का इनकार बीजेपी के डिस्ट्रिक्ट ऑफिस से आगाज किया, जिसमें बीजेपी से वाबस्ता कारकुनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस दौरान शेख बशीर स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक नवशारी, सीनियर लीडर हलीमा जी, यूनियन टेरेटरी सेक्रेटरी इम्तियाज अहमद, इसके अलावा सोफी हमीद स्टेट ऑफिस सेक्रेटरी माइनॉरिटी मोर्चा जम्मू कश्मीर और दिगर सीनियर लीडरों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। इस दौरान शेख बशीर ने कहा कि रिश्वतखोरों के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं, बल्कि इन्हें इलाकों के पीछे धकेल दिया जाएगा। जबकि सोफी हमीद ने अपने खिताब के दौरान कहा कि हम अपनी बीजेपी की सरकार जम्मू कश्मीर में बनाएंगे और करप्शन का खात्मा करके ही दम लेंगे। जबकि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक नवशारी ने अपने खिताब के दौरान अपने वर्कर्स पर इस बात पर जोर दिया कि घर घर तिरंगा प्रोग्राम को कामयाबी से हमकिनार करना हमारा अवलीन काम है। जबकि उन्होंने ये बात भी खुलकर कही कि बीजेपी अक्सरियत लेकर ही रहेगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग अब बाखबर हो चुके हैं। आशिक हुसैन उर्फ एमएलए आशिक नाई के साथ जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बारामूला ने भी अपने वर्कर्स पर जोर दिया कि हमें अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करने की जरूरत है, ताकि लोगों को राहत की सांस नसीब हो। हर घरस मन भारतीय जनता पार्टी हूँ नाव ये खोचान बीजेपी मैं अच्छ गर मे दपान ना तुम नीरु ओरिजिनल के तुम बिहू ओरी फिलहाल रिश्तेदारों चुट रिश्तेदारी हे ना तुम क्या गिव बीजेपी तेज बदनाम कर्म हे ना मुसलमान दुश्मन पार्टी तुम ऐसे ना वन पान क्या गो तमो हर सात कौक ये आवाम दबावन कोशिश। आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, तो उस सिलसिले में हर घर तिरंगा एक मुहिम छेड़ी है इंशाल्लाह, उस पर इस वक्त काम चल रहा है और उसी सिलसिले को बरकरार रखते हुए आज हमने यहाँ पे एक छोटी सी मीटिंग रखी है। तो सबसे पहले मैं दावत देना चाहूँगा हमारे यूटी के डेडिकेटेड जनरल सेक्रेटरी बाकी इम्तियाज साहब को कि वो अपने ख्यालातों से हमें आगाह करें। मीर मुश्ताक साहब, माइनॉरिटी मोर्चा के ऑफिस सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर, सोफी हमीद साहब पूरे प्रभारी माइनॉरिटी का हमारा माना भी है, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट कुपवाड़ा मलिक गुजरात साहब, वाइस प्रेसिडेंट अब्दुलरहमान साहब, यहाँ पे जितने भी माइनॉरिटी के बड़ा आदेश जो नरेंद्र मोदी जी का है, उसके बाद हमारा जो जेपी नड्डा जी हैं जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट श्री रविंदर रैना जी, उसके बाद हमारे इस ऑर्गेनाइजेशन जो भी है हमारी अशोक कोल जी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, इस सब चीज़ों को चलाते हैं, तो ये सब मुबारकबाद या उनकी हिदायत पर कि हमें ग्रास रूट पर जाना चाहिए। मैं आज इस ओकेजन पर इन आप सब लोग आए हो, मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि हमें जो ऊपर से हिदायत है इत कहीं अश्वना पत्रन साग तो मूलन द्रोत चना इस वना ये कशर अख मिसाल, लेकिन नहीं अश मूलन आब दिवा, अश मूलन आब दिवा आप मीनस गो कि अश्य हम कोशिश करते हैं कि हमारा जो पसमंदा इलाका होता है कोई भी हो, हमारे कई इलाका जाते हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा पहाड़ी हैं, ये कम लोग मिलते हैं जो सिटीज़ में रहते हैं, और सिटीज़ वाले उनको कोई ग्रेन नहीं है ये कि ये क्या है, पहाड़ी वाला जो है उधर वो मरता है, वो खाता है, वो पीता है, उसका PMAY मिलता है, उसका राशन मिलता है, उसका क्या होता है, कम से कम ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है, ये उसूल है, हमारे आदेश है कि भाई आप जा कर के देख लो इन लोगों को। आए दिन आपको हमने पंपलेट्स बांटे, आपके मोर्चाज के भी जरिए हमीद साहब ने भी बांटे, जो कारकर्दगी थी हमारे प्रधानमंत्री जो मुल्क के बादशाह हैं इस वक्त,
अल्लाह के बाद श्री नरेंद्र मोदी जी उनकी जो कारकर्दगी है वारियन बुजुर्गन उस पथ इस आज तम सत्तन वरियन मज अस वात नहीं कह मंड फंड तरह हाथ डोड हाथ तमिस जहत लगान तथ किराए तोतान वातनस यह पन्नी जाए पता ये हम अपने जमीर को टिटोल कर देख सकते हैं कि भाई इस वक्त जो वो विडोज का है उनको अपने अकाउंट में जाता है बुजुर्ग तिमन रोप सास वाता अकाउंटस मसान क्या जमान चु खराब ब्रोकुन ब्रोकुन चु पकान आज मोबाइल जमान आमुत बच्चे गसा खराब चाहे मुख्तलिफ अदवियातन मन ड्रग एडिक्ट बना इमन चु कम रोजा मलिस माजि हुंद ख्याल और नरेंद्र मोदी रूद ज्यादा ख्याल ये कि ये बुजुर्ग मून अमे दवा फुल आन बढ़ता है। कुपवाड़े वाले ने आज बारामूला वाले को देखा, बारामूला वाले ने कुपवाड़े वाले को देखा, सात कंस्टिट्यूंसियों के लोगों ने आज एक दूसरे से गुल मिले और ये खुशियां मनाई जिसका इजहार आप आपने बखूबी देखा। बहुत बहुत शुक्रिया आपने सर।